हमारे साथ इस वक्त कश्मीरी पंडित रविंदर पंडित जी मौजूद हैं। पंडित जी, आज जिस तरीके से 35 से हटाई गई है और 370 में संशोधन किया गया है, किस तरीके से देखते हैं एक कश्मीरी पंडित होने के नाते? देखिए, हमारा पलायन तो अब 30 साल हो गए हम यहाँ पे रह रहे हैं। अब 30 साल पहले भी जब हम वहाँ रह रहे थे तो आर्टिकल 370 जो है वो एक दो जगह पे हमें टच तो कर रहा था सीरियसली, क्योंकि हमारी जो बहनें हैं या जो भी लड़कियां जो बाहर ब्याही हैं उनका जो है प्रॉपर्टी पे इनहेरिटेंस ना होना, या जो हमारे यहाँ POJ के रिफ्यूजीज आए हैं 1947 में, फिर 1965 में भी कुछ लोग, और फिर जो वाल्मीकि समुदाय ख़ास तौर पे उनको अभी तक भी रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जा रहा है। तो 35A की लड़ाई तो यही थी। बाकी उसमें जो स्टेट सब्जेक्ट का जो कानून है, मैं भी स्टेट सब्जेक्ट हूँ J&K का, वो कानून आज का नहीं है। स्टेट सब्जेक्ट का कानून 1927 का है, महाराजा के टाइम का। तो 1927 में अगर मुझे कोई स्टेट सब्जेक्ट राइट ग्रांट किया गया, तब ना तो इंडिया था अलग, ना तो पाकिस्तान था, तो मैं एक विशेष दर्जा मेरा था। अब वो विशेष दर्जा लेके जब हम अब कश्मीरी पंडित वहाँ से बाहर आए हैं, हमारे तो वहाँ पे अभी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, हम जाते आते रहते हैं, आपको पता होगा, मैं तो वहाँ भी काम कर रहा हूँ, मैं तो बल्कि शारदा पीठ को लेके उस पार भी काम कर रहा हूँ लोगों के साथ मिलके, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। अब मुझे ज़मीन ही इमिजिएटली कोई फ़र्क नहीं दिखेगा, क्योंकि आपको कश्मीर वैली में जो उग्रवाद है ना वो ठीक करना पड़ेगा। आज का जो प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन है उसमें आपने क्या करा कि एक यूनियन टेरिटरी बनाई जम्मू को लेके, जम्मू और कश्मीर को कंबाइन किया, लद्दाख को अलग किया विदाउट लेजिस्लेचर। अब जम्मू और कश्मीर जो दो डिवीजन थे हमारे स्टेट के, उसमें आपने लेजिस्लेचर का जो प्रोविजन रखा, मींस वहाँ पे फिर एक लेजिस्लेटिव असेंबली हमने बनानी है। वो किस तरह से बनाएंगे, उसका हेड क्या चीफ मिनिस्टर्स पोस्ट रहेगा या दिल्ली की तरह एक लेफ्टिनेंट गवर्नर और वो सब रहेगा, वो सब चीज़ें अब आने वाला वक्त बताएगा। पर हिस्टोरिकल डिसीजन है, जो कुछ गलतियां पहले हुई थी संविधान को लेके वो आज ठीक करा गया। इसके लिए जो है बधाई के पात्र हैं जो इस टाइम BJP की सरकार है, क्योंकि एक बोल्ड डिसीजन था। अभी देख रहे हैं आप पिछले एक हफ्ते से कैसे वहाँ तैयारियाँ चल रही थी कि सुरक्षा को लेके, और हो सकता है अभी मुझे लगता है कुछ LOC के ऊपर भी शायद कुछ होने वाला है। लेकिन अगर पंडित जी बात करें, क्योंकि पिछली सरकारें भी थी, 370 हटाने की बात किसी ने नहीं की और बड़े दिनों से कवायद चल रही थी, इस बात पर चर्चा चल रही थी कि 370 में संशोधन किया जाए और 35 से हटाई जाए, क्या लगता है कि जो इस सरकार ने किया है वो काफिले तारीफ है? नहीं, काबिल तारीफ तो है ही, मैंने बताया पहले ही, क्योंकि जो पहले की सरकार हैं उन्होंने ही बेड़ा गर्क कर रखा था इस चीज़ को लेके, उनने इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया। वो काम चलाऊ चला रहे थे कि घाटी में जो भी प्रदर्शन कर रहा है, जो भी उग्रवाद हो रहा है, जो भी अलगाववाद हो रहा है, उनको कैसे भी रोका जाए। तो रोकने में सक्षम तो थे ही वो, बिकॉज ऑफ इंडियन आर्मी, बिकॉज ऑफ इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस। तो वो सक्षमता पॉलिटिकल विल नहीं था। जो पॉलिटिकल विल अब दिखने को मिल रहा है कि ये एक मेजर डिसीजन है, इसको करना चाहिए, ये ज़रूरी भी था, पर इसके नतीज क्या होएंगे घाटी में वो मुझे कोई खास अभी नहीं नज़र आ रहा। लेकिन जिस तरीके से कश्मीरी पंडित हैं जो उनको वहाँ से कश्मीर छोड़ के वो दिल्ली प्लान कर गए थे, क्या उनको कोई फ़ायदा होगा इससे बनने इससे हटने से? नहीं, मुझे इमिजिएटली तो एक दो फायदे, जो हम 35A की जब भी हम बात करते हैं कि 35A का जो स्टेट सब्जेक्ट का कानून है, मैंने आपको पहले भी बताया, वो आज का कानून नहीं 1927 का है। तो अंडर स्टेट सब्जेक्ट एक्ट, जो भी मैं भी स्टेट सब्जेक्ट हूँ J&K का, उसमें जो कुछ संशोधन लाने की ज़रूरत थी वो तो थी ही थी। अब ऐसा नहीं है कि इस टाइम जो है हमारी वहाँ पे नौकरियाँ नहीं है या हमारे लोग वहाँ नहीं जा, वहाँ पे 14 IPS ऑफिसर और IAS ऑफिसर जो है नॉन स्टेट सब्जेक्ट है, तो वो डाइल्यूट हो चुका है काफ़ी हद तक जो है। पर 370 की धारा जो है कि आप प्रॉपर्टीज़ खरीद सकते हैं वहाँ पे, वो देखना है ना उसका ज़मीनी असर क्या होएगा, इमिजिएटली क्या होएगा। इमिजिएटली जम्मू में लोग पसंद करेंगे बसना, जो भी यहाँ का कोई इंडस्ट्रियलिस्ट जाएगा वो चाहेगा कि सेटअप करूँ मैं फैक्ट्री अपनी या कोई रिहाइश अपनी बनाऊँ और जम्मू डिवीज़न में बनाऊँ। तो घाटी में क्या होएगा, घाटी में फिर वही चल रहा है, उसको अलग से सख्ती से निपटना पड़ेगा ना, क्योंकि अब दोनों चीज़ आपने कंबाइन करके एक ही यूनियन टेरिटरी बनाई, तो एक ही कानून, एक ही ये लागू होएगा ना, तो एक ही लेजिस्लेचर भी है। तो ये सब अब आने वाला वक्त देखेंगे, पर हिस्टोरिकल डिसीजन है, बड़ा बोल्ड डिसीजन है, बधाई के पात्र। पंजाब केसरी से बात करने के लिए धन्यवाद। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, पंजाब केसरी TV।